नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमाबंदी और रजिस्टर टू में मेरा नाम है तो खतियान में किसका नाम होगा। तो दोस्तों इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए आज जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यदि कोई जमाबंदी में मेरा नाम है और रजिस्टर टू में भी मेरा नाम है तो क्या खतियान में मेरा ही नाम हो सकता है? दोस्तों इसको अच्छी तरह से समझिएगा, पूरा देखिएगा तब समझिएगा। देखिए खतियान जो बनता है वह सर्वे के समय बनता है, ठीक है, और खतियान जब सर्वे के समय बन जाता है तो खतियान के अनुसार जमाबंदी कायम होती है। जमाबंदी कायम हो जाता है खतियान के अनुसार। अब कोई व्यक्ति उस खतियान के जमीन को किसी व्यक्ति के पास बेचेंगे तो उनका जमीन रजिस्ट्री का पेपर बनेगा जिन्होंने खरीदा है। अब जिन्होंने खरीदा है तो जमीन रजिस्ट्री के पेपर के आधार पर दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेगा और जब दाखिल खारिज उनका हो जाएगा तब जाकर रजिस्टर टू में उनके नाम से जमाबंदी कायम होगा। तो रजिस्टर टू और जमाबंदी में जो मेरा नाम है जरूरी नहीं है कि उस नाम से खतियान हो ही, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यदि हम खतियानधारी हैं और खतियानधारी हैं तो खतियान के आधार पर ही मेरा जमाबंदी कायम है रजिस्टर टू में तो मेरा नाम रहेगा खतियान में भी रजिस्टर टू के जमाबंदी में भी, ठीक है। लेकिन यदि हम जमीन रजिस्ट्री कराए हैं तो फिर रजिस्टर टू में जमाबंदी रहेगा मेरे नाम से लेकिन खतियान में मेरा नाम नहीं हो सकता है क्योंकि ये तीनों चीज मैच उसका करेगा जो खतियान धारी होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।